तो हे गाइस नमस्ते आदाब अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे अच्छे होंगे। तो अभी आप सबको बता दूं कि मैं हूं दुनिया के तीसरे अजीबो गरीब म्यूज़ियम में। जी हां, सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूज़ियम में मैं हूं। जस्ट पीछे आप सब देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो, इसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। चलिए अंदर चलता हूँ, अंदर की सारी चीज़ें आप सबको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। तो ये आप सब देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के टॉयलेट के मॉडल मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये चाइल्ड फ्रेंडली यानी कि बच्चों का जो छोटा सा टॉयलेट पहले बनाया जाता था वो है, और जो है वो अलग अलग तरीके के जो आजकल हमारे और आपके घर में इन्हीं तरीके के मॉडल के जो टॉयलेट जो हैं मिलते हैं, और भी सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको दिखाता हूँ। इधर देख सकते हैं आप लोग जो ये सारे मॉडल नंबर 3 सुलभ शौचालय जो गांव में आप सबको इस तरीके का टॉयलेट जो है वो दिखता था बहुत पहले, अब तो गांव में भी अच्छा अच्छा टॉयलेट जो है वो बनने लगा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, गेट पहले हुआ नहीं करता था तो पर्दा लगा कर जो है वो गांव के लोग यूज़ करते थे, और सारी चीज़ों का कॉस्ट भी यहां पर लिखा हुआ है। ये पूरे टॉयलेट का जो है वो स्ट्रक्चर दिया गया है अलग अलग, ये आप सब देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप सबको मैं मेन म्यूज़ियम के अंदर लेकर चलता हूँ। मेन म्यूज़ियम ये नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखाता हूँ। टॉयलेट का इतिहास आप सबको बताने की कोशिश करूँगा और दिखाने की कोशिश करूँगा कि सबसे पहला टॉयलेट, दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट की खोज कहाँ हुई, सारी चीज़ें जो है वो आप सबको दिखा रहा हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो मैं जो है वो अंदर आ रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग मैं अंदर आ गया, और अंदर आते ही आप सबको सामने जो है वो एक विज़िटर बुक नज़र आ रही होगी। इस विज़िटर बुक में जो है वो अपना नाम, पता, एड्रेस वगैरह कुछ आप सब लिख सकते हैं। उसके बाद आप सबको बता दूं कि ये दीवार पर कुछ फ़ोटोग्राफ आप सबको दिख रही होगी। ये जो है वो दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट पाया गया था, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ये सारी फ़ोटोग्राफ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। ये जो है वो बाथिंग एरिया है जहाँ पर नहाना धोना होता था, और ऊपर जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये जो है वो उस टाइम का टॉयलेट है, और नाली बनाई गई जिसमें मल जो है जिस तरीके से बाहर निकलता था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको यहाँ पर टॉयलेट का इतिहास देने वाला हूँ। ये मोहनजोदड़ो के बारे में सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है। दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट की खोज यहीं से हुई, और ये देख सकते हैं गुजरात का 2500 साल पुराना टॉयलेट। ये गुजरात, और आप सबको बता दूं कि 2500 BC लिखा, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म का जो कैलेंडर था उससे पहले की ये सारी चीज़ें जो है वो सब मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये कालीबंगन में इस तरीके का टॉयलेट पाया गया था, और ये टॉयलेट जो है आप सब अभी भी चलता है, रोड के किनारे आप सब देखे होंगे, चार्जिंग टॉयलेट शायद इसको कहते हैं, जो रोड के किनारे नगर पालिका अलॉट कराती है इसको। और ये पॉट है टॉयलेट उठाने वाला बहुत पुराना। और भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये टॉयलेट पैन फ्रॉम वैशाली का ये है, और आप सबको दिखा दूँ कुछ फ़ोटोग्राफ यहाँ भी आप सब देख सकते हैं। अलग अलग तरीके के टॉयलेट कब, कहाँ, कैसे आए सब कुछ लिखा हुआ है। ये जेरूसलम 1500 साल पहले का, ये जेरूसलम का टॉयलेट की खोज हुई थी। इजिप्ट में 3000 साल पहले इस तरीके का टॉयलेट था, उसके बारे में ये डिज़ाइनदार टॉयलेट आया। उसके बाद अलग अलग तरीके के जेरूसलम के 1500 साल पुराने टॉयलेट, और ये सारी जानकारी जो है इसमें लिखी हुई है, अगर आप सब चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये बेबीलोनिया का 2900 साल पुराना टॉयलेट है। उसके बाद अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ जो है अपना अलग अलग डिज़ाइन वाला टॉयलेट बनवाने लगे। तो और भी आप सबको सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आप सब देख सकते हैं, ये फ़ोटोग्राफ आप सबको देखने को मिल रही होगी। यूरोप में जो है वो कहीं भी लोग टॉयलेट कर देते थे जब उस टाइम टॉयलेट नहीं था। और भी बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये कुंभालगढ़ फोर्ट का टॉयलेट कैसा था ये आप सब देख लीजिए। और आप सबको बता दूं कि ये भानगढ़ फोर्ट यहाँ राजस्थान में है, वहाँ पर टॉयलेट किस तरीके का बनाया गया था, राजा का टॉयलेट, ये मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। थर्ड फ्लोर पे टॉयलेट था, और ये देख सकते हैं ये सेकंड फ्लोर का टॉयलेट है। और भी जहांगीर महल का किस तरीके का टॉयलेट था, अंबर फोर्ट जयपुर में है, फतेहपुर सिकड़ी आगरा का ये टॉयलेट है 1569 का।
सारी चीज़ें जो है इस टॉयलेट म्यूज़ियम में आप सबको देखने को मिलेगी। टॉयलेट का इतिहास जो है वो कहाँ कहाँ से आया। लोग खाने की बात करते हैं लेकिन टॉयलेट की चीज़ पे पता नहीं क्यों लोग घिन आने लगती है लोगों को, जो बिल्कुल गलत है। ये भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। और ये देख सकते हैं ये सुलभ शौचालय जो मुंबई में है, और लंबी सी लाइन लगी है इस पे यहाँ पर जो है टॉयलेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि यहाँ पर टॉयलेट किया जाए। इस शौचालय में लगभग 2500 से 3000 अलग अलग शौचालय यहाँ पर आप सबको मिलेगा। तो बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि इस जगह जाकर टॉयलेट करें। लोगों की अलग अलग ख्वाहिश जो है वो होती हैं। लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ घूमने, मैं वहाँ जाऊँ, वैसे ही ये भी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ पर जाऊँ टॉयलेट करने के लिए। तो वो शौचालय जो सबसे बड़ा शौचालय दुनिया का मुंबई में है, और ये देख सकते हैं सुलभ इंटरनेशनल म्यूज़ियम कहाँ कहाँ है वो सब कुछ है। ये आप सबको देखने को लग रहा होगा कि ये फ़ोटो स्टेट मशीन है, लेकिन ये फ़ोटो स्टेट मशीन नहीं है, ये एक पोर्टेबल टॉयलेट है जिसका यूज़ आप सब कहीं भी कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं और कर सकते हैं। ये सारा टॉयलेट जो है वो पोर्टेबल टॉयलेट है, और इसके बारे में सारी जानकारी जो है वो इस पर लिखी हुई है। अगर आप सब चाहें तो आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इंसिनोलेट इसका नाम है। और भी सारी चीज़ें जो है मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये सब देख सकते हैं कितना अच्छे अच्छे डिज़ाइन का, जब अंग्रेज़ हैं तो अंग्रेज़ जो हैं वो अच्छे अच्छे डिज़ाइन का टॉयलेट बनवाने लगे। सारी टॉयलेट की फ़ोटोग्राफ आप सब देख सकते हैं, जो अलग अलग डिज़ाइन की बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा है। और ये चेयर बड़ी सी आप सब देख सकते हैं, ये असल में चेयर भी है और ये टॉयलेट भी है। ये फ्रांस के राजा का टॉयलेट है जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। और ये भैया जो यहाँ के गाइड हैं, तो चलिए इनसे कुछ सुनते हैं यहाँ के बारे में। पेंसल के लिए उसने इंग्लिश लिटरेचर को लिया, ये मैकबेथ की बुक थी, एंजल बुक का रेप्लिका लिया, नाम लिखा मैकबेथ, मिडिल पे होल किया, टॉयलेट सीट बनाया और इसी बुक पे बैठ के लैटिन करते थे। पेंसल का नया तरीका था ये, लेकिन हम अपने इंडिया में ऐसा करेंगे कभी नहीं, बिकॉज इंडियन कल्चर इज ग्रेट। ये जब ब्रिटिश लोग पिकनिक और हंटिंग के लिए जाते हैं ऐसे टेबल को साथ ले जाते हैं। अब टेबल है तो इस पे क्या करेंगे, वो खाना खाते हैं, बुक पढ़ते हैं, प्लेइंग कार्ड खेलते हैं, फिर जब कॉल ऑफ नेचर आती ऐसा उठाए हाँ। इसी पे यूज, रीच शीट एंड शीट, खाओ भी जाओ भी। इंडियन कल्चर में करेंगे ऐसा कभी नहीं, कभी नहीं, हमारी सोच ही अलग है। सही बात। लुईस 14 तक फ्रांस के बहुत बड़े राजा थे। लुई 14 का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कारण वो ऑडियंस को टाइम नहीं दे पाते, सभा में न्याय नहीं करते। टाइम मैनेज के लिए क्या किया, अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बना के यूज किया, इसी पे बैठ के वो ऑडियंस को लेक्चर भी देते फिर पर्सनल काम भी करते। और ऐसा माना जाता है पूरे लाइफ में बस दो बार ही नहाए लुईस 14। अब एक राजा तीन बार तीन, जब पैदा हुए तब, उसके बाद जब शादी थी उनकी तब, और जब मरे तो 3 बार। तो टॉयलेट में वो 3-4 2-3 घंटा लगा देते हैं, इसलिए जिसको हाँ टाइम मिला। हाँ लेकिन यहाँ हम हिस्ट्री पढ़े इनका तो इसमें 2 बार ही। अच्छा तो डेथ के बाद हम नहीं देखे वर्ल्ड में नहीं देखे तो क्या कर सकते। हाँ सही बात। ये सब आपका 18th-19th century के पॉट्स है जी। ये सब जो रॉयल फैमिलीज होते हैं ऐसे पॉट्स को गोल्ड डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बना के यूज करते हैं, मतलब बड़े लोगों की बड़ी बात है। ये ज्यादा दिखावे के लिए था कि यार मेरे सद्दाम हुसैन का पूरा टॉयलेट गोल्ड का था, वहाँ आप देखें होंगे, वहाँ उस साइड का पूरा गोल्ड का, सऊदी का राजा का पूरा टॉयलेट गोल्ड का, तो दिखावे के लिए था कि यार मेरे घर में हीरे का टॉयलेट है। वो कभी कभी इसमें यूज भी करते हैं। फिर जो स्टाफ था सारे वेस्टेज को क्लीन करके इसमें फ्लावर्स रखता था ताकि इसमें अच्छा करे। तो ये फ्लावर पॉट्स भी था, फिर देखिए इंग्लिश नाम है तो इंग्लिश शीट भी फर्स्ट टाइम इंग्लैंड में होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश शीट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया इन 2500 BC इन मोहनजोदड़ो, फर्स्ट टाइम हमने अपने इंडिया में किया, लेकिन आज के डेट में इसका नाम इंग्लिश इंग्लिश टॉयलेट। सही बात। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमने यूज किया, छोड़ दिया, उन्होंने जो छोड़ा वो एक्सेप्ट किया,
और उसको कैजुअली पूरे वर्ल्ड में यूज किया। इंग्लिश सीट इंग्लिश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इस टाइम ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश वालों ने ही मोहनजोदड़ो की खुदाई की, इसलिए इसका नाम था इंग्लिश सीट। तो ये भैया थे जो सारी बातें बता रहे थे कि टॉयलेट सबसे पहले ही खोज जो है वो हमारे इंडिया की थी, लेकिन अंग्रेज़ जो है वो क्रेडिट सिर्फ लिए सारी चीज़ों का, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो अंग्रेज़ों ने ही उसकी खुदाई करवाई थी और वो टॉयलेट मिला, तो उसके बाद जो है वो इन लोग जो हैं अंग्रेज़ लोग अपना क्रेडिट ले लिए कि हम लोगों ने पहली इसकी खोज की है और इसको जो है इंग्लिश टॉयलेट या फिर वेस्टर्न टॉयलेट का नाम दिया, जो बिल्कुल गलत है। ये खोज जो है हमारी इंडिया की है तरीका, और ये देख सकते हैं लोग जाते हैं कैंप में तो कैंपिंग के लिए दौरान जो है इस तरीके का टॉयलेट पहले अंग्रेज लोग यूज़ कर रहे थे। और भी सारी चीज़ें मैं आप सबको दिखा देता हूँ, सारे फोटोग्राफ आप सब देख सकते हैं जो सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप सब चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ये देख सकते हैं बॉक्स वाला टॉयलेट जो कहीं भी ले के साथ में आप इसको जा सकते हैं। और इधर आप सबको दिखा दूं कि दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट कहाँ है और कहाँ नहीं है, उसके बारे में मैं आप सबको पढ़वा देता हूँ जो लिखा हुआ है। ये एरोप्लेन का टॉयलेट है, अगर आप सब एरोप्लेन में गए होंगे तो वहाँ पे टॉयलेट जो है वो इस तरीके का होता है, आप सब जानते होंगे जो एरोप्लेन में सफ़र किया होगा। और आप सबको दिखा दूँ ताइवान में जो है वो रेस्टोरेंट में जो है वो वहाँ पर प्लेट की जगह टॉयलेट सीट में लोग खाना खाते हैं, जो ताइवान के लोग ही कर सकते हैं ऐसा, हम इंडिया वाले तो ये कभी नहीं कर पाएंगे। जो टॉयलेट की सीट है उस पर खाना खा रहे हैं और उसी सीट पर बैठे भी हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं और फिर उनको टॉयलेट लगेगी तो वह बैठे बैठे कर भी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी दुनिया में है जो यहाँ पर देख कर सब कुछ समझ में आ रहा है, आप सब भी देख सकते हैं। तो ये आप सब देख सकते हैं दुनिया का सबसे महंगा टॉयलेट, मैं आप सबको दिखा दूँ कहाँ पर है। ये देख सकते हैं मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट इन द वर्ल्ड। तो ये टॉयलेट जो है वो नासा वालों के पास है, जो स्पेस में ये टॉयलेट यूज़ होता है। और इस टॉयलेट का कॉस्ट आप सबको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं $19 मिलियन का ये टॉयलेट है जो फ्रांस से ख़रीदा गया था, फ्रांस वाले इसको बनाए हैं और नासा वाले जो हैं वो फ्रांस वालों से ख़रीदे हैं, उसके बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है, अगर आप सब चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इधर आप सब देख सकते हैं जो आप सबको देखने में चेयर लग रही है लेकिन एक्चुअल में ये टॉयलेट भी है। जी हाँ, चेयर तो है ही लेकिन उसके नीचे टॉयलेट भी है, जो फ्रांस के राजा थे वो यूज़ करते थे और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों को उस समय में यूज़ किया करते थे। और आप सबको बता दूँ कि ये सामने फ़ोटो आप सब देख रहे होंगे यूरोप की, ये फ़ोटो है लोग टॉयलेट करने के बाद रात में जो मल हुआ करता था उस मल को अपने घर की खिड़कियों में से बाहर रोड पर फेंक दिया करते थे, जिसकी वजह से बीमारी की वजह से ब्लैक डेथ इन यूरोप जो है एक बीमारी आई इन गंदगी की वजह से, जिसमें यूरोप का आधा तबका जो है वो ऐसे ही ख़त्म होने लगा, जो इन सारी फोटोग्राफ में लिखा हुआ है। ये सब आप सब पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं। और ये आप सबको दिखा दूँ, ये USA का टॉयलेट है जो सन 1920 का है। इस टॉयलेट की खासियत आप सबको बता दूँ कि जो है वो बॉस जो होते थे वो बॉस ऊपर जाते थे और जो उनके एम्प्लॉय थे वो नीचे जाते थे, टॉयलेट में भी बॉस बॉस ही कहलाता था और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय। तो ये कुछ इस तरीके का था पहले। और ये सीढ़ी जो है वो लगी रहती थी, सीढ़ी से ऊपर जाते थे बॉस। तो कुछ इस तरीके की यहाँ की सारी चीज़ें थी जो मैं एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में आप सबको बता दिया। तो आइए चलते हैं बाहर और देखते हैं और बाहर क्या है क्या नहीं है। तो एक जो है ये था और दूसरा भी है यहाँ पर, एक ये है, चलिए इसके अंदर भी चलता हूँ और दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसमें जो है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो वेस्ट वाटर जो वेस्ट पानी जो होता है, आजकल बहुत से लोग जो हैं वो पानी जो बहुत सारा वेस्ट करते हैं, तो उस पानी को कैसे रोका जाए कैसे बचाया जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो है वो दिख रही है। और भी सब कुछ आप सबको मैं दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये
प्राइज़ मिला था 2019 में, जल ही जीवन है। और ये सारी चीज़ें जो है वो टॉयलेट में ही बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, तो उस पानी को कैसे बचाया जाए, उन सारी चीज़ों के बारे में इस यहाँ पर जो है वो दिया गया। और ये जो है वो डिफरेंट वाटर सोर्सेज फॉर सुलभ ड्रिंकिंग वाटर, ये प्रोजेक्ट है, वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है। और ये देख सकते हैं मॉडल ऑफ सुलभ वेल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कैसे पानी कहाँ से होते हुए किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगी, जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। रिवर से होते हुए, पंप से पानी होते हुए जो है वो टैंक में आता है, टैंक से होते हुए ये पानी प्यूरीफाई होते हुए जो है वो किस तरीके से आता है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें जो है आप सबको यहाँ की दिखा दी, दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट जो है वो कैसा था, और सारी चीज़ें फ्रांस के राजा का टॉयलेट कैसा था, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है टॉयलेट का इतिहास जो है इस म्यूज़ियम में है। अगर आप सब दिल्ली से हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ और देखें अपने टॉयलेट का इतिहास। सारे लोग जो है वो इन सब चीज़ों पर बात नहीं करते, खाने की बात करते हैं, लेकिन खाने के बाद जो है वो टॉयलेट की बात कोई नहीं करता। तो यहाँ पर आएँ और सारी चीज़ें एक बार ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो लाता रहता था। चलिए इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय।